बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रॉक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिल सके। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचारी चिकन की रेसिपी। तो ये अचारी चिकन बनता कैसे है, आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, पैन में हाफ कप के करीब आयल डालेंगे। इसी बीच में हम प्याज काट लेंगे। प्याज काटने के बाद दो दरमियाने साइज़ के प्याज काटेंगे, उसको इस पैन में डाल देंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। जब तक ये लाइट ब्राउन हो रहे हैं तो हम अचारी चिकन का मसाला रेडी कर लेंगे। मसाले के लिए हमें चाहिए कलवंची, सौंफ, मेथी दाना, कसूरी मेथी, ज़ीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस आधे मसाले को सेपरेट कर लेंगे और आधे मसाले में हम नींबू निचोड़ेंगे और इसको हरी मिर्चों में भर लेंगे। दरमियान से हरी मिर्चों को काट लेंगे और इसमें इसको भर देंगे। अब इन हरी मिर्चों को हम रख देंगे साइड पे। प्याज जो है उन पर अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया। अब इसी बीच में हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन को डाल के थोड़ा सा डिस्क कलर होने देंगे। डिस्क कलर होने के बाद अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर्स जो हैं वो रच बस जाएँ और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को डाल के हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में टमाटर डालने के बाद हम इसको पका लेंगे और जो हमने अचारी चिकन का मसाला रखा था वो अचारी चिकन का मसाला जो है वो हम इसमें डाल देंगे। सारा मसाला डालने के बाद हम इस सारे मिक्सचर को 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे वीडियो में, ताकि मसाले अच्छे से चिकन में रच बस जाएँ। अचार चिकन मसाले जो मसाला है वो अचारी चिकन में अच्छे से चला जाए ताकि चिकन जो है वो अचार का फ्लेवर देना शुरू हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इसका मेन इन्ग्रीडियंट है दही, वो इसमें आधा कप के करीब दही डाल देंगे। दही डाल के इसको अच्छे से पकाएँगे। दही का पानी आपने खुश्क नहीं होने देना, दही का पानी जो है वो अभी बीच में रहे। इसी बीच में जो हमने सब्ज़ मिर्चें रखी हुई थी और गरम मसाला वो डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब और इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने कट लगाकर मसाला भर के रखा था, वो सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इसमें। और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम इस अचारी चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। दम पर रखने से क्या होगा कि ये चिकन अच्छे से पक जाएगा, गल जाएगा, बहुत ही नरम हो जाएगा, मलाई की तरह ही आपके मुंह में घुल जाएगा। 15 मिनट बाद हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। अब इसका दम खोलते हैं और दम खोलने के बाद देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितना प्यारा कलर है। आप खुशबू तो नहीं सूंघ पाएंगे लेकिन आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना ही मज़ेदार और कितनी ही शानदार ये रेसिपी बनी है। तो आपके घर कोई मेहमान आने वाले हों या कोई ईद की दावत हो तो आप अपनी इसे ज़रूर बनाएं और अपनी दस्तरखान का लुत्फ इससे दुबाला करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल फूड रॉक्स को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।